प्यारे मृत्यु, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, चैनल पर CET 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके की डेली क्लासेस लगाई जा रही हैं। तो आज की क्लास में भी हम राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, जो कि CET 2024 ग्रेजुएशन लेवल और ट्वेल्थ लेवल की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुलाब के फूलों के निर्यात में अग्रणी जिला कौन सा है? अलवर, अजमेर, उदयपुर या फिर बूंदी? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। गुलाब के फूलों के निर्यात में अग्रणी जिला इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर की बात करें, दूसरा ऑप्शन अजमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, रबी की फसल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? मक्का, सोयाबीन, मूंगफली या फिर अलसी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। रबी की फसल का उदाहरण इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देखिए, रबी की फसल की मैं बात करूं, ये देखिए आपके अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के अंदर ये जो है काटी जाती है। और इस रबी की फसल का जो उदाहरण है वो आपके अलसी है। बाकी तीनों आपके मक्के की, जो आपके मक्का, सोयाबीन और मूंगफली है, वो आपके खरीफ की फसल के उदाहरण है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहां पर किया गया है? अजमेर में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में या फिर जयपुर में? सभी को इसका आंसर बताना है। जो आमागढ़ लेपर्ड सफारी है, इसका आरंभ राजस्थान में कौन से जिले से किया गया है? तो ये आपके जयपुर से किया गया है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? नागौर, झुंझुनू, जैसलमेर या फिर उदयपुर? सभी को इसका आंसर बताना है। राजस्थान की बात कर, देखिए जून माह में जो न्यूनतम वायुदाब है वो देखिए आपके जैसलमेर जिले में संभावित है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापमान और वायुदाब में देखिए बात करें तो विपरीत संबंध में पाया जाता है। जहां पर तापमान अधिक होता है वहां पर वायुदाब कम होता है, और जहां पर तापमान कम होता है वहां पर वायुदाब अधिक होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया, जूनागढ़ किले का पुराना नाम कौन सा था? चिंतामणि, करणचंद मिला, करणचंद किला, लालगढ़ या फिर तारागढ़? सभी को इसका आंसर बताना है। जो जूनागढ़ किला है, जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है, महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसे देखिए प्राचीन में आपके किस नाम से, बिल्कुल लालगढ़ नाम से जाना जाता था। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, 9 मंजिला बावड़ी कहां पर स्थित है? आबानेरी, निमराना, बूंदी या फिर भांडारेज? सभी को इसका आंसर बताना है कि 9 मंजिला जो बावड़ी है राजस्थान में कौन से स्थान पर स्थित है। तो राइट आंसर की बात करें, देखिए आबानेरी के अंदर आपकी चांद बावड़ी है, ठीक है ना। बूंदी के अंदर देखिए आपके रानी जी की बावड़ी है। इसके अलावा दोस्तों अनारकली की बावड़ी भी स्थित है। 9 मंजिला बावड़ी की बात करूं, ये आपके निमराना के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पूंजा, लोना चावंडिया, जीवा साह या फिर तारा भील? जितने भी हम प्रश्न करने वाले हैं इस क्लास में, पिछले कई एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का जो कमांडर था वो आपके राणा पूंजा था। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? पूर, बनेड़ा, गंगापुर या फिर कोठारिया? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह है उनको कौन से ठिकाने द्वारा शरण दी गई है? तो राइट आंसर की बात करें तो उनको देखिए कोठारा के रावत जोत सिंह थे, उन्होंने देखिए इनको शरण दी थी। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? जयपुर, कोटा, करौली या फिर उदयपुर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की जो स्थापना है कौन से स्थान पर की थी? तो ये की थी दोस्तों आपके जयपुर के अंदर। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर कंचा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इनमें से जो कौन सा खेल है वो राजस्थान का राज्य खेल कहलाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, राजस्थान का राज्य खेल इनमें से हो जाएगा बास्केटबॉल, जिसे 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? जयपुर, उदयपुर, सिरोही या फिर प्रतापगढ़? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, उड़िया का पठार आपके सिरोही के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? यह प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, टोंक या फिर बालोतरा? नदी कौन सी है वो भी बताना है और स्थान कौन सा है वो भी बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा कस्बा है
जिसका धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों बालोतरा। और इसी कारण दोस्तों बालोतरा में बाढ़ भी आती है। कौन सी नदी के कारण? लूणी नदी के कारण, क्योंकि इसका जो धरातल स्तर है बालोतरा का, वो इसके पास की जो नदी बहती है ना, उसके पेटे के स्तर से नीचे है, इसी कारण यहाँ पे बाढ़ आती है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लवणीय झील है? जयसमंद, लूणकरण सर, राजसमंद या फिर पिछोला? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। लवणीय अर्थात खारे पानी की झील में से कौन सी है? तो करेक्ट आंसर की बात करें, लूणकरण सर झील जो कि दोस्तों आपके बीकानेर के अंदर है, वो आपके देखिए यहाँ पर खारे पानी की या लवणीय झील है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क, अर्ध शुष्क, आद्र या फिर उपाद्र? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। स्टेपी प्रकार की जो वनस्पति है राजस्थान में कौन से प्रदेश में पाई जाती है? तो देखिए जो कोपेन द्वारा, व्लादिमीर कोपेन द्वारा जो जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किया गया है वनस्पति के आधार पर, ठीक है ना, चार भागों में बांटा गया, जिसमें देखिए जो BSHW जो आपके अर्ध शुष्क प्रदेश है वहां पर आपके स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इनसेप्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है? सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा या फिर बूंदी? करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। इनसेप्टिसोल्स जो मृदा है राजस्थान में कौन से स्थान पर नहीं पाई जाती है? तो ये देखिए आपके सिरोही, राजसमंद और भीलवाड़ा तीनों स्थानों पर पाई जाती है, जबकि बूंदी में नहीं पाई जाती है, क्योंकि बूंदी में जो मृदा पाई जाती है वो आपके वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, जिसे काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? मेवाड़, मारवाड़, गोडवाड़ या फिर ढूंढाड़? जल्दी से आंसर बताइए इसका। जो मक्का है वो राजस्थान में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मक्के की बात करूं, देखिए मक्के के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो दोमट मिट्टी है, ठीक है ना, दोमट मिट्टी है, और मेवाड़ क्षेत्र में ये सर्वाधिक उत्पादित होता है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, क्योंकि डेली क्लासेज एग्जाम से तक दोस्तों आपकी सीईटी की लगने वाली है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? बीकानेर, कोटा, जैसलमेर या फिर प्रतापगढ़? करेक्ट आंसर आपको बताना है। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना जो है राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो ये आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान या फिर बिहार? करेक्ट आंसर सभी को बताना है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का प्रथम राज्य, तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या फिर गागरोहन? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जौहर स्थल के लिए कौन सा जो किला है वो प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ किला, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, संत दादू दयाल की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? सांबर, आमेर, नारायणा या फिर पुष्कर? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। संत दादू की जो मृत्यु है कौन से स्थान पर हुई थी, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इनकी मृत्यु आपके देखिए नारायणा के अंदर हुई थी, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? किशनगढ़, आगरा, जोधपुर या फिर वृंदावन? जल्दी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बनी ठनी जो है आपके राजस्थान की प्रसिद्ध पेंटिंग, जिसे जो आपके भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है कर्नल डिकिंसन के द्वारा, तो यहाँ पे देखिए किशनगढ़ चित्र शैली से ही संबंधित है जो बनी ठनी, ठीक है ना, निहाल चंद जो है इसके चित्रकार है, और निहाल चंद आपके सावंत सिंह के ही संरक्षण में थे। तो सावंत सिंह जो थे इनकी मृत्यु देखिए आपके वृंदावन के अंदर हुई थी, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है? बपंग, नड़, अलगोजा या फिर खड़ताल? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो जहूर खान है वो कौन से लोकवाद्य से संबंधित है? तो ये आपके भपंग लोकवाद्य से संबंधित है, और भपंग की मैं बात करूं ये मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1950, 1955 या फिर 1964? राइट आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। देखिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करूं तो ये आपके देखिए बीकानेर के अंदर स्थित है, और ये काफी बार एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाता है, और इसकी जो स्थापना है वो देखिए 1955 के अंदर हुई थी, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का अधिक उपयोग किया जाता है? अंगूर, आम, खेजड़ी या फिर महुआ? करेक्ट आंसर सभी को बताना है। भील जनजाति के अंदर पेय पदार्थ हेतु कौन से वृक्ष का अधिक उपयोग किया जाता है? तो महुआ का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है दोस्तों, जिसे आपके आदिवासियों का सोना बांस को कहा जाता है, ठीक है ना।
आदिवासियों का सोना बांस को कहा जाता है। तो महुआ को देखिए पेय पदार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है बील जनजाति के द्वारा। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, देश हितैषणी सभा कहाँ स्थापित हुई है? सिरोही, अजमेर, जोधपुर या फिर उदयपुर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए और इसकी स्थापना कब हुई थी यही आप सभी को बताना है। तो 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में हुई थी, 1877 में इसकी स्थापना हुई थी महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारे सीईटी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली इसी तरह की क्लासेज आपको चैनल पर मिलने वाली है, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।